भदोही में दिन दहाड़े लूट की खबर। बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे बैंक मित्र से दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 1.5 लाख रुपया लूट कर फरार हो गए। यह वारदात सूर्यावा थाना इलाका के मऊ रामशाला गांव के समीप की है। बताया जाता है कि सूर्यावा के नेवादा रोही गांव निवासी विनोद कुमार दुबे ज्ञानपुर के बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर घर जा रहे थे। पहले से उनके पास 50,000 रुपए मौजूद था। विनोद कुमार दुबे बैंक मित्र में है। दौरे में पैसा लेकर विनोद कुमार दुबे बाइक से नेवादा रोही अपने घर जा रहे थे। तभी मऊ रामशाला गांव के समीप एक अपाचे पर सवार दो बदमाश पहुंचे। रुपए से भरा बैग छीनने लगे। छीना झपटी के बीच एक बदमाश से विनोद दुबे के ऊपर शस्त्र से हमला कर दिया, जिससे बैंक मित्र का एक हाथ आ जख्मी हो गया और बदमाश आराम से 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर मतेतुबा की तरह भाग निकले। सूर्यावा थाना इलाका के मऊ रामशाला में दिन दहाड़े हुई बैंक मित्र के साथ लूट की वारदात की सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। एसपी ने बैंक मित्र विनोद कुमार दुबे से बातचीत भी की। वारदात को लेकर क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई है। पुलिस ज्ञानपुर के बैंक के इर्द गिर्द के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। जिस बैंक से विनोद कुमार दुबे पैसा निकाल कर घर के लिए रवाना हुए थे, घटना स्थल पर एसपी खुद पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए लोगों से पूछताछ की। हालांकि दिन दहाड़े हुए वारदात को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल विनोद कुमार दुबे को सूर्यावा पुलिस सीएससी लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बैंक मित्र विनोद दुबे को रेफर कर दिया। क्या घटना कैसे हुई है पूरा? मैं आया था ज्ञानपुर में, मैं LIC एडवाइजर भी हूँ, साथ साथ बैंक मित्र भी हूँ। तो यहाँ से LIC में अपना काम करने के बाद आया ब्रांच में, जो है LIC यूनियन बैंक की ब्रांच में, यहाँ मैंने पैसा निकाला जो है। इसके बाद मैं घर वापस जा रहा था। घर पहुँचने ही वाला था कि रामशाला जो कि हमारे घर से 500 मीटर पहले जो है, वहीं पे जो दो लोग खड़े थे जो है, उन्होंने जो है उसको देखते ही जो है मेरा बैग छीनने का प्रयास किया। मैंने बैग छोड़ा नहीं, उन्होंने झटका दिया जो है, तो मेरी बाइक असंतुलित गिर गई जो है। इसके बाद उन्होंने जो बाइक छीनने का प्रयास जारी रखा, मैंने छोड़ा नहीं, तो उन्होंने जो है हाथ में गोली मार दी। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। दोबारा उन्होंने फायर किया जो है, क्योंकि वो जो है उसको नहीं लगा, और उन्होंने झटके से जो है मेरा बैग छीन लिया जो है। तब तक उनका अगला साथी बाइक स्टार्ट कर जो है तैयार था, वो लोग भागे। बैग में 1.5 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए मैंने जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्ञानपुर से निकाला था बाइक चेक, और 50,000 रुपये मेरे पास पहले ही थे, क्योंकि मैं बैंक का काम करता हूँ, तो मेरे पास लेन देन के लिए पहले से पैसा था। कौन सा नेवादा? आपका नाम? विनोद कुमार दुबे। पिता का नाम? श्री राम जी दुबे। नेवादा रोही गांव में एक बैंक मित्र हैं, वो लगभग 4:45 बजे के आसपास अपने घर जा रहे थे। उनके घर से लगभग 500-700 मीटर दूरी पे एक बाइक पे सवार दो युवक जो हैं, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, उनका बैग छीनने का प्रयास किया, और छीना झपटी में जब बैग आसानी से उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने गोली चलाई जो इनके हाथ में लगी है। फिलहाल जो शिकायतकर्ता हैं उनकी हालत खतरे से बाहर हैं, और इनका कहना है कि इनका एक बैग वो छीन के ले गए हैं। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भर्ती कराया, जहां घायल की हालत जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है, और अलग अलग टीमें बनाई गई इस घटना को वर्कआउट करने के लिए। शीघ्र इस घटना को वर्कआउट किया गया। सर, बैग में 1.5 लाख से अधिक होने की बात बता रहे हैं, ये क्या इस बारे में जानकारी? हाँ, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास अभी जो शिकायत करता है उन्होंने बताया है, बाकी इस संबंध में और गहन जानकारी।